आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। इंदौर की महू तहसील में आज एक हृदय विदारक हादसा हो गया, जिसमें एक महिला की जान चली गई। मिली जानकारी के मुताबिक सेल्फी के चक्कर में महू के जाम गेट के पास घाट से गहरी खाई में गिरकर इंदौर के बिचोली मर्दाना निवासी 35 वर्षीय नीतू पति विकास बाहेती की मौत हो गई। एक दिन पहले ही नीतू ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत किया था, जिसके फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल किए थे। बताया जा रहा है कि महू के ख्यात पर्यटन स्थल जाम गेट पर हादसे के वक्त पत्नी के साथ उसका पति व बच्चा भी साथ था। घटना शहर से 35 किलोमीटर दूर जाम गेट की है, जहां सेल्फी लेने के दौरान इंदौर निवासी एक महिला नीतू बाहेती गहरी खाई में गिर गई। खाई में गिरने के दौरान महिला के शरीर पर कई गंभीर चोट आई, जिससे वह घायल होकर अपनी जान गंवा बैठी और उसकी मौत हो गई। महिला के पति ने पुलिस को बताया कि 7-8 फोटो हम खींच चुके थे, परंतु नीतू और भी फोटो खींचने की जिद कर रही थी और इस दौरान वह काफी पीछे चली गई और गिर पड़ी। इस दौरान जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई और लोग इकट्ठा हो गए। उसके बाद में बड़ी मुश्किल से पुलिस ने सैकड़ों फीट गहरी खाई में ग्रामीणों की मदद से उतरकर शव को निकाला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद महू सहित इंदौर में सनसनी फैल गई है। इस घटना से एक तथ्य यह भी सामने आ रहा है कि लोग सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करने के चक्कर में खतरनाक ढंग से सेल्फी व फोटोग्राफी करने का काम भी करते हैं, जिससे असमय काल के गाल में समा जाते हैं। हाँ, एक हमको सूचना मिली कि कोई महिला सेल्फी लेते हुए खाई में गिर गई है, तो उसी के लिए भी हम मौके पर गए। मौके पर महिला की जो शव था वो खाई में गिरा हुआ था, उसको बड़ी मुश्किल से गांव वालों की मदद से और अपने पुलिस कर्मियों के साथ जंगल से उसको निकाला गया और निकाल के उसको PM के लिए भेजा गया है। महिला का नाम है जो मृतिका है, नीतू पति विकास महेश्वरी, बिचोली मर्दाना इंदौर की रहने वाली है। अब उसका मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है और जांच के दौरान जैसा हो वैसी कार्रवाई की जाएगी। अभी सर PM हो गया है या नहीं हो पाया? नहीं, अभी उसको डेड बॉडी को निकालने में काफ़ी समय लग गया, तो अभी शाम का टाइम होने से उसका PM कर लूँगा।